नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। क्यों नहीं करना चाहिए होली की कुछ दिन पहले शुभ कार्य, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि होली के दिन या होली से पहले कुछ दिन शुभ कार्य करने वाले हैं तो सावधान हो जाएं, इसमें भयंकर आपको नुकसान होने वाले हैं। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, कोई भी धंधा वगैरह आप डाल रहे हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो सावधान होली के बाद ही करना, होली के पहले मत करना। होली के पहले करने से क्या नुकसान होते हैं, आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और जो जानकारी बताऊंगा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका भला हो, आप सब अच्छे रहें, मस्त रहें, सदा भगवान आप लोगों को धन धन से संपन्न रखें। यही हम इस चैनल में आप सभी को बोलते हैं कि आप खुश तो हम खुश। देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जो अष्टमी से होलिका दहन की अवधि को शास्त्रों में होलकास्ट कहा जाता है, मतलब होली का अवधि कहा जाता है। और इन दिनों किसी भी मांगलिक कार्य का आरंभ शुभ नहीं माना जाता, और क्यों नहीं माना जाता वो भी बताऊंगा। और 16 संस्कार भी नहीं किए जाते इन दिनों में, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में हो जाते हैं होली के दिन पहले होली की आते तक। और इन ग्रहों के निर्बल होने से मानव मस्तिष्क की निर्णय क्षमता छीण हो जाती है और इस दौरान गलत फैसले लेने के कारण हानि की संभावना रहती है। होली के पहले तक आपको भूल करके भी शुभ कार्य नहीं करना है, जो भी अच्छे कार्य कर रहे हो बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा इसमें आपको नुकसान ही होता है। क्यों नुकसान होता है मैं आप लोगों को अभी वीडियो में बता दिया हूँ, तो सावधान हो जाए। होली के बाद जो भी अच्छे कार्य करना है वो करें, होली के पहले कदापि आपको कार्य नहीं करना है, क्योंकि इस समय राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है और धंधा पानी वगैरह आप डालते हैं, व्यापार बढ़ाते हैं, कोई भी शुभ मुहूर्त करते हैं तो इसमें आपको नुकसान होते हैं, शुभ कार्य करते तो नुकसान होते हैं। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ मित्रों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम।